नमस्ते, मैं सिद्धांत मोहन हूँ और आप ललन टॉप देख रहे हैं। एक न्यूज़ चैनल ने नौकरशाही जिहाद की बात चलाई है और सोशल मीडिया पर तमाम नौकरशाहों ने न्यूज़ चैनल के इस कदम की भर्त्सना की है, कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। मामला जानिए। न्यूज़ चैनल का नाम सुदर्शन न्यूज़ और एंकर का नाम सुरेश चव्हाणके। चव्हाणके ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर करते हुए सिविल सेवाओं में मुसलमानों की कथित घुसपैठ की बात करते हुए इसे नौकरशाही जिहाद करार दिया। कहा कि शुक्रवार को इस बड़े खुलासे पर एक कार्यक्रम किया जाएगा। उन्होंने कहा, नौकरशाही में मुसलमानों के घुसपैठ पर बड़ा खुलासा। अचानक मुसलमान आईएएस और आईपीएस में कैसे बढ़ गए? सबसे कठिन परीक्षा में सबसे ज्यादा मार्क्स और सबसे ज्यादा पास होने का क्या है राज? फिर आगे कहा, सोचिए जामिया के जिहादी अगर आपके जिलाधिकारी और हर मंत्रालय में सचिव होंगे तो क्या होगा? लोकतंत्र के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ कार्यपालिका पर कब्जे का पर्दाफाश, ऐसा उन्होंने कहा। वीडियो वायरल होने लगा। आईपीएस संगठन ने सबसे पहले आवाज उठाई, कहा कि वो इस गैर जिम्मेदार और सांप्रदायिक किस्म की पत्रकारिता का विरोध करते हैं। दूसरे अधिकारियों ने भी सवाल उठाए और जांच की मांग की। आईपीएस अधिकारी निहारिका भट्ट ने इसे घृणा फैलाने वाली कोशिश करार दिया। कहा कि धर्म के आधार पर अधिकारियों की साख पर सवाल उठाना न केवल हास्यास्पद है बल्कि इससे सख्त कानूनी प्रावधानों से भी निपटा जाना चाहिए। हम सभी भारतीय पहले हैं। आईपीएस आरके विज ने कहा कि यह कदम घृणास्पद है, भर्त्सना की जानी चाहिए और इसे रोका जाना चाहिए। छत्तीसगढ़ काडर के 2009 बैच के आईएएस अवनीश शरण ने लिखा कि यह टीआरपी की मंडी में नई एंट्री है। सुरेश से उसके सूत्रों के बारे में पूछा जाना चाहिए और इस पर्दाफाश की विश्वसनीयता की पड़ताल की जानी चाहिए। हरियाणा काडर के 2010 बैच के आईएएस प्रभोज्योत सिंह ने कहा कि पुलिस इसे गिरफ्तार क्यों नहीं करती है और क्यों सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, माइनॉरिटी कमीशन और यूपीएससी अब तक स्वतः संज्ञान क्यों नहीं लेते हैं? ट्विटर इंडिया से अनुरोध है कि इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, अकाउंट सस्पेंड कर दिया जाए। ये हेट स्पीच है। आईएएस राहुल कुमार ने भी कहा कि यह फ्री स्पीच नहीं है, यह जहर है, हमारे संवैधानिक संस्थानों के खिलाफ उगला गया जहर है। और यही नहीं, आईएएस और आईपीएस अधिकारियों की लंबी फहरिस्त है जो इस हेट स्पीच के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं, ट्विटर इंडिया से दरखास्त कर रहे हैं कि इस अकाउंट को सस्पेंड कर दिया जाए। ये खबर उस समय आ रही है जहां भारत में खासा पॉलिटिकल स्टॉर्म उठ चुका है फेसबुक के पॉलिसी को लेकर, हेट स्पीच को लेकर, फेसबुक की पॉलिसी को लेकर। ये वीडियो आता है, उसके बाद लोग ट्विटर पर टूट पड़ते हैं, अरेस्ट सुरेश चव्हाणके के हैशटैग चलाते हैं, ट्विटर से मांग करते हैं कि इनका अकाउंट सस्पेंड किया जाए, ट्वीट में भी लिखते हैं कि ट्वीट को रिपोर्ट किया जाए। इस खबर में अगर कुछ होता है तो हम आपको आगे ज़रूर बताएंगे। मैं सिद्धांत हूँ और आप ललन टॉप देख रहे थे। शुक्रिया।